नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। बेरोजगारों के आंदोलन में उपद्रव के आरोपी बॉबी पवार समेत 7 युवाओं की जमानत पर सुनवाई आज फिर टली, कल कर दिया गया है समय। पत्थरबाजी और उपद्रव के आरोपी बॉबी पवार समेत 7 युवकों की जमानत पर सुनवाई मंगलवार को फिर टल गई है। अभियोजन ने पत्थरबाजी में घायल होने वाले पुलिसकर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा था। सीजीएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने अभियोजन को एक दिन का वक्त दिया है। अब मामले की सुनवाई बुधवार को यानी कल होगी। बॉबी समेत 13 आरोपी युवाओं की जमानत के लिए 11 फरवरी को सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। परीक्षा को आधार बनाकर 6 युवाओं की जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन इन युवाओं ने बेल बॉन्ड नहीं भरा और सभी की जमानत पर अड़ गए हैं। हरिद्वार की जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी व्हाट्सएप कॉल पर दी धमकी। हरिद्वार के कनखल के रहने वाले एक कारोबारी से जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। राठी ने व्हाट्सएप पर कॉल कर रकम न मिलने पर रोशनाबाद में उसके प्लांट पर अपने 5 आदमियों से कब्जा करने की धमकी भी दी है। इससे पहले भी राठी के गुर्गे कारोबारी और उसके भाई की हथियार दिखाकर धमकी दे चुके हैं, जिसके चलते सिद्धगुल थाने में कुख्यात सुनील राठी और उसके 5 गुर्गों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। SPCT स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार में बारातियों पर गाड़ी चढ़ाने वाला किसान नेता गिरफ्तार, एक की हुई मौत, 31 बाराती घायल। घुड़चढ़ी के दौरान बारातियों पर बेकाबू कार चढ़ाने वाले सहारनपुर के किसान नेता को बहादुराबाद थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसकी गाड़ी भी सीज कर दी गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की बड़ी भीड़, यातायात प्लान लागू। शारदीय कांवड़ मेले में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आने वाले कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया है। यह व्यवस्था महाशिवरात्रि यानी 18 फरवरी तक हरिद्वार शहर में लागू रहेगी। निर्धारित रूट और पार्किंग में ही वाहन खड़े होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।